इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक हैचरी फॉर्म में वो कौन सी इक्विपमेंट पाई जाती हैं जो अंडे को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हैचरी फॉर्म में यूज होने वाली इक्विपमेंट जो स्पेशली अंडों के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनमें हैचिंग एक ट्रे होती है, तकरीबन 90 से 180 अंडों के लिए एक काफी होती है। दूसरे नंबर पे हैचिंग एक ट्रांसफर मशीन होती है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। ये मशीन ब्रीडर फार्म ट्रे से अंडों को हैच ट्रे में ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ पे अंडों की तादाद ज्यादा हो और फार्म बड़ा हो। इसके बाद एक कैंडलर होता है जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसकी मदद से आप अंडे के अंदरूनी चीजों को देख सकते हैं कि अंडे में बच्चा पैदा हो रहा है या अंडा खराब हो गया है, इसकी मदद से आप देख सकते हैं। कैंडलर दो तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल कैंडलर होता है और दूसरा मैस कैंडलर होता है। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अंडों को हैंडल करने के लिए कौन सी इक्विपमेंट इस्तेमाल होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया। Like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating.